अलॉन्ग द एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। अलॉन्ग द एक्सिस का मतलब क्या हुआ? देखो अपने पास एक ऑर्बिटल ये है, ये बेटा मेरा एक्स एक्सिस है और लेट से ये मेरा जेड एक्सिस है। कोई बताएगा ये कौन सा डी ऑर्बिटल है बेटा? dxz. परफेक्ट, डी ऑफ एक्स जेड। नाउ अलोंग द एक्सिस मीन्स दिस दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस। डू आई फाइंड एनी इलेक्ट्रॉन अलोंग दिस और अलोंग दिस लाइन? कोई दिखा आपको बेटा इसके अलोंग इलेक्ट्रॉन, इसके अलोंग इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एट दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है। अपने पास एक और ऑर्बिटल है बेटा, ये वाला ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस ऑर्बिटल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन। सो दिस हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग विच डायरेक्शन बेटा? अलोंग द एक्सिस। सिमिलरली वी हैव वन मोर ऑर्बिटल विच इज दिस, वी हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग जेड एक्सिस। सो आवर आंसर विल बी डी ऑफ जेड स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा ये लिखाए भी थे ना शायद बेटा, दीज टू ऑर्बिटल आर नोन एज वॉट? एक्सियल ऑर्बिटल्स, एंड दीज आर नोन एज डी ऑफ एक्स जेड, डी ऑफ वाई जेड एंड डी ऑफ एक्स वाई। दे आर कॉल्ड बेटा क्या? इंटर एक्सियल ऑर्बिटल। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड इंटर एक्सियल? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग द इन बिटवीन द एक्सिस, दे आर नॉट अलोंग द एक्सिस, दे आर बिटवीन द एक्सिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चल नेक्स्ट बेटा। सर क्वेश्चन 1। क्या बेटा? सर पहला क्वेश्चन, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? बेटा अब देखिए बेटा, सर फोर्थ वाला सही कैसे स्टेटमेंट से नहीं ये बता दीजिए। अच्छा सेकंड वाला गलत है बेटा, ये समझ में आ रहा है बेटा? हाइड्रोजन एटम के लिए लिखाए थे बेटा, हाइड्रोजन एटम में क्या था बेटा? 1s 2s equals to 2p, 3s equals to 3p is equal to 3d। ये लिखाए थे या नहीं लिखाए थे बेटा? ये लिखवाए थे हाइड्रोजन एटम के लिए? यस सर। यस सर। वन एटम अगर होगा ना बेटा, वन इलेक्ट्रॉन होगा ना, वन इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला फॉलो होता है। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो 1s लेस देन 2s लेस देन 2p हो जाएगा, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ये वाला फॉलो करना है। चलिए अब पूछ रहे फोर्थ वाला कैसे सही आया। देखो फोर्थ वाला भी एक इक्वेशन है बेटा, उसको डिराइव करते हैं हम लोग, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। चलो अपने को क्या पता है बेटा, अपने को एक चीज यही पता है, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी इज मोर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ये अपने को मालूम है। नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस इंटू डेल्टा ई एंड डेल्टा टी, डेल्टा ई एंड डेल्टा टी, एंड दैट विल बी मोर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। चलिए सोच के बताइए बेटा कैसे करेंगे इसको। आप समझिए बेटा, एनर्जी लेके आना है किसी तरीके से। ट्राई कीजिए बेटा। सर हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट के डेल पी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी डेल पी, सो सर नीचे डेल पी स्क्वायर ऊपर की होगा।
फिर से बोलिए प्लैंक कांस्टेंट को क्या करने वाले बेटा? सर प्लैंक कांस्टेंट के साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करने से तो ई निकलता है ना, तो सर वहां पर वेलोसिटी देके ई करके नीचे और वहां पर डेल वी स्क्वायर कर दे तो होगा। सर एम डेल वी को भी तो हम लोग फोर्स इनटू डेल टी लिख सकते हैं। एम डेल वी को क्या लिख सकते हैं बेटा? फोर्स इनटू डेल टी और फिर फोर्स इनटू डेल एक्स हो जाएगा वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। डिफरेंशिएशन आप लोग को आता है ना बेटा? यस सर। चलिए लिखिए काइनेटिक एनर्जी, लिखिए बेटा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए लिख लिए, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए बेटा। कुछ बना ये बेटा? खुद से थोड़ा दिमाग लगा के करिए, मैं करा रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ कि इसमें आप सोचिए कि मतलब ये आपको पता, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बेटा बन जाएगा। हुआ बेटा? स्टेटमेंट क्या है? क्या बेटा स्टेटमेंट क्या है सर? स्टेटमेंट? हाँ नहीं नहीं बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नहीं आएगा बेटा? एम वी डेल वी। सर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है वो? ऑप्शन में दिया है बेटा डेल ई डेल टी मोर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई बेटा। ऑप्शन इसको बेटा इसमें लेके आना, डेल ई इंटू डेल टी मोर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई। नहीं बेटा, चलिए अब ध्यान से सोचिए बेटा, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है? ये फाइनल लेके आना है। देखो मुझे मालूम है डेल्टा ई को मैं ये लिख सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा वी, ये लिखा जा सकता है बेटा। अरे डेल्टा एक्स जो है बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं बेटा वी इंटू डेल्टा टी। देखो बेटा एक्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डेल्टा एक्स बाई टी नहीं होता है बेटा? वेलोसिटी क्या होता है? डेल्टा एक्स टी होता है। तो मैं डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूं बेटा? V into delta t लिख सकते हैं। E is equal to x by t. X is what? X is displacement and t is time taken. ठीक है? X by t होता है, ठीक है? Now I can say error
in x can be written as error in x can be written as velocity into error into t. अब इसको बेटा प्लेस कीजिए तो आया आपका m डेल्टा v into डेल्टा t, आ गया आपका ये एनर्जी बेटा, तो डेल्टा e into डेल्टा t more than equal to h by 4 pi. ठीक है, इसका डेरिवेशन बेटा सिंपल होता है, डिफरेंशिएशन करने से आ जाता है. अब ये वाला बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी और टाइम का रिलेशनशिप होता है, एनर्जी टाइम का अनसर्टेनिटी होता है. क्लियर है बेटा? सर प्रॉब्लम नंबर 6 में आते बेटा, ये समझ में आया बेटा सबको? हाँ सर. चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 4. How many electrons can fit in the orbital for n is equal to 3 and l is equal to 1? ये पूछेंगे बेटा. सर ये तो 6 इलेक्ट्रॉन हो. सॉरी सॉरी सॉरी. यस सर मेरा भी 6 है. नहीं 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 सुनो सुनो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल, इन द ऑर्बिटल्स नहीं है बेटा, तो वन ऑर्बिटल ऑफ 2p है, वन ऑर्बिटल ऑफ 3p है बेटा. देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1. वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑर्बिटल, not orbitals having n is equal to 3, l is equal to 1. Clear है बेटा? ये 3p का एक orbital की बात कर रहा है, सारे orbital की बात नहीं कर रहा है. Sir, question number 43. ठीक है बेटा, चलिए 1 से 10 में कोई doubt नहीं रहा बेटा किसी का अभी तक. हम बोले तो sir 6, 7, 9. अच्छा question number 6. Correctly pair gaseous atom and its magnetic moment. सबका निकालिए बेटा. इसका करेक्ट आंसर बेटा क्रोमियम वाला है, 4s1 3d5. व्हाट इज क्रोमियम 2 प्लस 4s0 3d4. दिस फोर आर अनपेयर, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 4 × 4 + 2 bm, रूट अंडर बेटा 24 bm. तो क्या आ जाएगा बेटा, 5 से थोड़ा सा कम आएगा, 4.9 bm. पर bm का bm तो बताए थे, यूनिट बताए बेटा, वोर मैग्नेटॉन बेटा इसका एक यूनिट है बेटा, मैग्नेटो, वोर मैग्नेटॉन bm. नेक्स्ट नंबर 9 बोले ना सर, नंबर 7 भी. Which of the following represent isotones? बेटा ये सब क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, आइसोटोन निकालिए इसमें से. सर पहला ही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन में आइसोटोन निकल गया आपका, 77 माइनस किए नहीं होगा तो बेटा, किए नहीं रहेंगे तो वो पूछेंगे बेटा, जो नहीं बनेगा वो पूछेंगे ना, किए क्यों नहीं बेटा, सिंपल नाइन नंबर नहीं, आज सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 7 क्यों नहीं करेंगे, ये सारा क्वेश्चन तो करके आना है. इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन जहां मिल जाए उसको गारंटीड करना है, क्यों, क्योंकि इसमें आंसर गलत नहीं होता कभी भी, आप करोगे तो आराम से, माइनस करना था बस. चलिए नेक्स्ट बेटा नंबर 9. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0. बेटा 1 ऑर्बिटल, क्यों, 3p बोल दिया है प्लस 0 ही बता दिया है, तो मतलब 3px बोल दिया है, तो 3px कितने होंगे बेटा, एक ही तो होगा ना. अगर ये m 0 नहीं देगा तो बोलेंगे 3 ऑर्बिटल हो सकते थे, m अगर 0 नहीं देगा तो मतलब 3p बताया है, ना x बोला है, ना y बोला, ना z बोला है. ठीक है, तो आंसर विल बी ओनली 1 ऑर्बिटल. चलिए नेक्स्ट 12 सर 11 सर 11 11. A particle is moving 3 times faster than the speed of electron. If the ratio of wavelength of particle and electron is this, then particle is. Okay. बोला है particle is moving 3 times faster than electron. So velocity of that particle is 3 times the velocity of electron. फिर बोला है the wavelength of particle, the lambda of particle by the lambda of electron is equal to
1.8 into 10 का पावर माइनस 4. Then what particle is this? बढ़िया क्वेश्चन है. What particle is this? चलिए तो हम लोग को बेटा मास ऑफ दैट पार्टिकल बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है. मास ऑफ दैट पार्टिकल बाय मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. तो हम लोग को पता है लैम्डा ऑफ पार्टिकल विल बी एच बाय मास ऑफ दैट पार्टिकल इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एच बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दिस बाय दिस कर दिए एच एच गया. Implies that lambda particle by lambda electron is equal to mass electron velocity electron mass of particle by velocity of particle. What is this beta? 1.8 10 ka power minus 4 into is equal to mass of electron by mass of particle. Velocity of electron by velocity of particle kitna hai beta? Velocity electron by velocity particle is 1/3. 1/3. So 3 multiply yoga mass of electron by mass of particle is 48. Kitna aata hai beta? 18 into 3, 54 na? Ye aayega to? Yes, sir. The mass of particle is mass of electron by 5.4 into 10 ka power 4. So that particle is itna times heavier. That particle is itna times heavier. Now what can be that particle? What can be that particle? So beta itna time heavier isko ab mass of electron to mass of particle by mass of electron. Ye nikal ke dekhiye beta aapka aana chahiye 1.9 into 10 का पावर 3 आएगा या 1.8 आएगा. ठीक है 1.8 आना चाहिए तो इससे भी कम आएगा. दिस इज बेटा एक्चुअली द मास ऑफ या रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन. दिस इज एक्चुअली न्यूट्रॉन. ये जो रेशियो है बेटा न्यूट्रॉन का. अच्छा न्यूट्रॉन का मास कितना आता किसी को पता है बेटा? व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन बेटा? 1.673 kg. खाली 1.67 लिखने से भी होगा. और मास ऑफ सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन बेटा प्रोटॉन नहीं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 9.109 into 10 to the power minus 31 kg. ये आता है. तो यही आपका आया. तो दिस मीन्स दिस इज आवर न्यूट्रॉन. दिस इज आवर न्यूट्रॉन. तो पार्टिकल किसकी बात कर रहा है? वो न्यूट्रॉन की बात कर रहा है. चलिए नेक्स्ट बेटा 43. 1 से 20 के बीच में बेटा कुछ. 12 How much is the energy absorbed? ठीक है तो energy absorbed is from photon is hc by lambda. ये हम लोग को मालूम है. Now what is the value of h? 6.64 into 10 का power minus 34. What is the value of c? 10 का power 8 divided by lambda. This is joule. ये joule में होता है. Per photon या per photon. Now I will say 6.64 10 ka power minus 34 into 3 into 10 ka power 8 into 6.02 10 ka power 23. This will be joule per mole divided by lambda.
नाउ द क्वेश्चन सेज अर्ज पर मोल. क्वेश्चन क्या बोला? अर्ज पर मोल बोला है. एनी आइडिया बेटा जूल और अर्ज के बीच में रिलेशन बेटा? 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. परफेक्ट हो गया. तो आई विल राइट दिस एज 6.64 10 का पावर -34 इनटू 3 इनटू 10 का पावर 8 इनटू 6.02 10 का पावर 23 इनटू 10 का पावर 7 बाय लैम्डा अर्ज पर मोल. हो गया. कैलकुलेट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, सब कीजिए, आंसर आएगा. हो जाएगा बेटा? एकदम सर. चलिए नेक्स्ट बेटा. 35 सर 16 20. आउट ऑफ दिस द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज. अच्छा वन और टू में डाउट है क्या? यस सर. 35 35. अरे यार रुकना. अच्छा अच्छा सॉरी सर. बेटा आंसर होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन. याद रखिएगा कौन क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 16 का बेटा फर्स्ट होगा सर. सेकंड क्यों नहीं होगा बेटा? फुल्ली फिल्ड जो होता है ना बेटा 4S का. यस सर. देखो एक तरफ फुल्ली फिल्ड 4S है, एक तरफ हाफ फिल्ड 4S है. तो आपको समझना है बेटा, याद कीजिए बेटा, फुल्ली फिल्ड होने से नोबल गैस बनता है ना बेटा. देखो हम लोग पढ़े कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, यही पढ़े फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आल्सो हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. ध्यान रखना है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव मोर स्टेबिलिटी देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. तब ना बेटा याद करो नियॉन वगैरह का क्या है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना. तो 4s अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है और 4s अगर आधा कंप्लीट है तो आई विल से दिस हैज गॉट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंपेयर टू दिस. समझ में आया बेटा? हाँ सर. अगर अब इसमें आपसे पूछ ले और इसमें, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? सेकंड वाला. ऑक्टेट रूल जैसा मान लीजिए. हाँ ऑक्टेट रूल टाइप है कि अगर ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो जाता है तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है. चलिए नेक्स्ट बेटा. क्वेश्चन नंबर 35 कितना बेटा? 20 20. इफ n इज इक्वल टू 6 देन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी. हाँ बेटा इफ n इज इक्वल टू 6 पीरियोडिक टेबल याद है बेटा? 6 पीरियड में बेटा क्या होता है? 6s होता है, फिर 4f आता है, फिर 5d आता है, फिर 6p आता है. यही है ना बेटा पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड में. 6s के बाद लैंथेनाइड, लैंथेनाइड के बाद d वाला आता है, फिर p वाला आता है. हाँ या ना? यस सर. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ns n-2f n-1d फिर np. हो गया. पहले ns फिल होगा, फिर n-2f होगा, फिर n-1d होगा, फिर np होगा. ये तो बेटा 6 पीरियड का पीरियड टेबल देख लीजिएगा, उसी से मालूम हो जाता बेटा. पीरियड टेबल कराए भी था, दिखाए थे कि ऑर्बिटल के हिसाब से होता है. चलिए नेक्स्ट. 23 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग. ठीक है देखिए बेटा, हम लोग बोले हैं बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिंपली 2n स्क्वायर. ठीक है बेटा, 2n स्क्वायर में बेटा आपका अगर मान लेते 6s है, 6 पीरियड है, सॉरी मान लेते थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड में बेटा आपका क्या हो जाता है बेटा? 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा और 3d हो जाएगा. 3s में बेटा 2 होंगे तो 3 × 2. 3p में बेटा कितने होते हैं, सॉरी 3s में 2 होते हैं, p में कितने होंगे बेटा? 6 होंगे और d में कितने होते हैं? 10 होते हैं. तो ये कितना आ गया बेटा? 18 आ गया. तो हम लोग बोल दिए बेटा दिस इज एक्चुअली 3 2 × 3 स्क्वायर.
बेटा ये लेवल के हिसाब से, अगर लेवल में n दिया रहेगा तो आंसर बोलेंगे 2n2। अब देखो n नहीं दिया है, बोला l दे दिया है, बोला l इज इक्वल टू 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो l इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या बेटा? p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा जब l इज इक्वल टू 1 होगा तो आपके पास बेटा px होता है, py होता है और pz होता है ना। तो जब बेटा l आपका 1 है तो ये वाले वैल्यू होते बेटा, यहाँ पे बेटा m क्या होगा? -1, 0 और +1। बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल बेटा m से डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर l इज इक्वल टू 0 होगा तो s ऑर्बिटल, इसमें m कितना होता है बेटा? 1 ही होता है। अगर आपका l इज इक्वल टू 2 है बेटा तो मुझे बताएंगे m के वैल्यू क्या क्या होंगे बेटा? l इज इक्वल टू 2 है तो m क्या क्या होगा? -2, -1, 0, +1, +2। यही होगा बेटा। बेटा तो ऑर्बिटल कितने हैं अपने पास? 5 ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 5 × 2 ऑर्बिटल्स। बेटा l इज इक्वल टू अगर 7 है ना तो बेटा आपका m होगा -7, 2, +7। यही होगा ना, इंक्लूड -7, -6, -5, -4, -3 होगा। बेटा अगर l का वैल्यू बेटा a है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a विल बी 2a+1। करके देख लीजिए, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इज सिंपली 2l+1। देखो 2l+1 होता है। l अगर 0 हो जाए, l अगर 0 हो गया तो 1 ऑर्बिटल, l इक्वल टू 1 हो गया तो कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। l इज इक्वल टू 2 हो गया तो कितने? 5 ऑर्बिटल। l इज इक्वल टू 3 हो गया तो कितने? 7 ऑर्बिटल। तो बेटा ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? यही होगा ना, आया ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 4l+2। व्हाट इज l? l इज द नंबर जो ऑर्बिटल बताएगा बेटा। s ऑर्बिटल का l कितना? 0। तो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में। p ऑर्बिटल का l कितना? 1। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। p ऑर्बिटल का l कितना? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 हो गया, हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 35 आ रहे बेटा, चलिए 25 तक में किसी को डाउट बेटा? सबशेल बोला था ना बेटा, l बेटा सबशेल होता है, याद रखिएगा। l मतलब सबशेल। सबशेल आपके कौन कौन होते? s होता है, p होता है, d होता है, f होता है। शेल कौन होता है बेटा? शेल आपका n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 होता है। शेल मींस n इज इक्वल टू 1, 2, 3। सबशेल मींस s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन 31। यस सर, हैवी तो नहीं होना चाहिए क्या बेटा? सर जो डिफ्लेक्शन होता है वो तो चार्ज के चलते होता है ना, तो उससे ये कैसे पता? डिफ्लेक्शन बैक ऑफ फ्यू पार्टिकल्स ऑन हिटिंग थिन फॉइल ऑफ गोल्ड शोस दैट न्यूक्लियस इज हैवी एंड न्यूक्लियस इज स्मॉल बोथ एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हिंड्रेंस। सर फ्यू पार्टिकल्स है इसलिए स्मॉल साइज, हैवी कैसे पता चलता है सर? मान लेते बेटा इलेक्ट्रॉन आपका लाइट है, मान लेते इलेक्ट्रॉन आपका, सॉरी
समझिए बात को, ये आपका बेटा मास है इसका 1 kg और ये पार्टिकल है इसका मास है 20 kg। ये यहां से यहां गया, क्या लगता है ये इसको हिट करके वापस आएगा या आगे चला जाएगा? आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा। अब उल्टा कर देते हैं, इसका मास है 20 kg, इसका मास है 1 g। अब इसको मैंने प्रोजेक्ट किया, किक किया, ये आगे गया, क्या कर लेगा ये 1 g बेटा? इसको पुश करके आगे चला जाएगा या इसको पीछे आना होगा? पीछे आएगा, पीछे आना होगा। समझ में आया सर? लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के केस में तो टकरा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन होता है वो तो चार्ज के चलते होता है ना। नहीं बेटा, डिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा है, ये रिबाउंड की बात कर रहा है। क्या बोला है? डिफ्लेक्शन। अच्छा, रिबाउंड न्यूक्लियस इज स्मॉल, क्यू से तो आया स्मॉलर, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन बैक का मतलब तो लेकिन रिबाउंड ही ना हुआ। डिफ्लेक्शन बैक है बेटा, मुझे लगा खाली डिफ्लेक्शन, समझिए समझो। डिफ्लेक्शन बैक का मतलब क्या हुआ? रिबाउंड हुआ ना बेटा, ठीक है, समझ में आया? तो यस सर, रिबाउंडिंग बेटा, कोई फुटबॉल जाके बॉल हिट करेगा तो रिबाउंड हो जाता है ना, ठीक है। चलिए हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट 35 क्या पूछ रहे बेटा? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बेटा, मेजरमेंट डेल्टा एक्स दिया हुआ, डेल्टा पी मांग रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा? डेल्टा एक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। हाँ बेटा, ये कैलकुलेशन हमसे कराएंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। डेल्टा एक्स दिया हुआ है 1 × 10⁻¹⁸ g पर सेंटीमीटर इंटू डेल्टा पी लेस देन इक्वल मोर देन इक्वल टू 6 point कितना बेटा? 4 × 10⁻³⁴ जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 × π। बेटा यहाँ पर जूल फंसा है और यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर है, क्या ग्राम पर सेंटीमीटर यूज कर सकते कि ग्राम पर मीटर यूज करना होगा? हाँ बेटा एक बार बोलिए। ये ग्राम पर क्या बेटा? एसआई यूनिट चाहिए। बिल्कुल, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है बेटा। डेल्टा एक्स जो दिया था बेटा आपका 1 × 10⁻¹⁸ g पर सेंटीमीटर, आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू 1 × 10⁻¹⁸ ग्राम को केजी में करना है, 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय 10⁻²m। अब मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁹ kg पर मीटर। नाउ आई कैन यूज दिस, केजी में कन्वर्ट करना ही भूल गए थे, केजी और मीटर में कन्वर्ट होगा तब जाके आंसर आएगा। समझे बात को? समझ गया, और करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे बेटा, नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हो गया सर, बाकी हो गया। yes, इसी का 120 के ऊपर किसका आया बेटा? सर मेरा आया है, मेरा। कौन कौन बेटा, नाम बताइए? सर सायनदीप। सायनदीप बढ़िया है बेटा, 120 है ना, ठीक है। 120 आपका कितना है? सर 126। परफेक्ट बेटा, नेक्स्ट बेटा। संपूर्ण बेटा कितना आया बेटा? 160। बहुत बढ़िया बेटा, नेक्स्ट। तमन्ना। क्या बेटा? तमन्ना बेटा कितना आया बेटा? तमन्ना, तमन्ना हाँ बेटा कितना आया? 155।
बहुत बढ़िया बेटा 155 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 155 नेक्स्ट सर अनुजीत अनुजीत कितना आया बेटा सर 130 130 परफेक्ट बेटा और किसका है बेटा सर आयुषी आयुषी बेटा कितना बेटा 130 और कोई बेटा सर ऋतिक ऋतिक बेटा कितना सर 130 परफेक्ट और कोई बेटा सर आदित्य कितना बेटा 126 परफेक्ट बेटा ठीक है बेटा देखिए वन कितने का पेपर था बेटा वन सर 180 का था ना तो 180 में बेटा 50% होता है 90 नंबर और 60% कितना होता है बेटा 108 दिस इज 50% एंड 108 इज 60% ठीक है तो बेटा 120 प्लस इज ए गुड स्कोर ठीक है इन्होंने बेटा इन दोनों ने काफी अच्छा किया है बहुत अच्छी बात है बेटा 160 155 आ रहा है बहुत अच्छा है बेटा संपूर्ण बेटा फिजिक्स में कितना आ रहा है आपका पिछले टेस्ट में 175 आया था बहुत बढ़िया बेटा ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है केमिस्ट्री बेटा देखिए अगर किया रहेगा तो स्कोरिंग है ठीक है केमिस्ट्री ज्यादा स्कोरिंग होता है बाकी किसी भी सब्जेक्ट से ठीक है ठीक है ठीक है बेटा नेक्स्ट वाला जो टेस्ट होगा इससे थोड़ा लेवल अप होगा बेटा इसमें क्वेश्चन जो पिछले वाला टेस्ट था और ये वाला टेस्ट था बेटा इसमें क्वेश्चन कॉमन तो नहीं थे ना बहुत ज्यादा नो सर 180 हाँ बेटा सर एक दो सिमिलर थे एक दो तो बेटा सिमिलर मिल जाएगा ना इतने सारे क्वेश्चन में ध्यान नहीं रहता ना 45 अलग अलग याद नहीं रहता बट मोस्टली बेटा क्वेश्चन आपके वेरिएशन में रहेंगे और आने वाला जो दो टेस्ट है ना बेटा उसका भी बेटा आप थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा ठीक है और आने वाला जो टेस्ट होगा तो अगला टेस्ट भी जो लेने वाले वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ले लीजिए ना एक का चारों टेस्ट पहले ले लेते फिर पीरियोडिक का लेते अच्छा आप बोले कि सीधा दो एटॉमिक का ले लेना फिर पीरियोडिक का लेंगे ना हां सर नहीं बेटा ऐसे क्या नहीं नहीं सर पीरियोडिक टेबल का लीजिए सर ये वेडनेसडे नहीं नहीं फिर एटॉमिक दोबारा लेंगे तो रिवीजन करना पड़ेगा ना सबको अच्छी बात है ना अभी सारा एक ही बार एटॉमिक कर रहिएगा समझिए कुछ दिन के बाद फिर से दो एटॉमिक का टेस्ट होगा तो मतलब दोबारा एटॉमिक का रिवीजन हुआ ना समझे इसलिए रिवीजन होता रहेगा सर ये वेडनेसडे को क्या है पीरियोडिक टेबल ठीक है पीरियोडिक टेबल पे ज्यादा टेस्ट नहीं लेंगे बेटा दो टेस्ट काफी होता है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं ठीक है पीरियोडिक टेबल में ज्यादा टेस्ट नहीं लेंगे ठीक है बेटा ठीक है अभी आप लोग का क्लास है ना